ऊन के श्री भिलटदेव मित्र मंडल और साधना ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को ऊन के नाग तीर्थ नागलवाड़ी पर पैदल ध्वज यात्रा निकाली गई। इस दौरान सदस्यों द्वारा बाबा की महा आरती कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। गुरुवार की सुबह रवाना हुई इस ध्वजा यात्रा में सर्वप्रथम ऊन के 13वीं शताब्दी के विघ्नेश्वर गणेश मंदिर में गणेश पूजन कर यात्रा की शुरुआत की गई। ध्वजा यात्रा के दौरान ग्रामीणों द्वारा रास्ते भर सभी ध्वजा यात्रियों पर पुष्प वर्षा एवं सेवाओं के माध्यम से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में ऊन के दीपक सेन एवं केली के काशीराम वर्मा और साहू परिवार द्वारा स्वल्पाहार एवं चाय की सेवाएं दी गई। यात्रा संयोजक दुर्गेश दसौंधी के अनुसार ध्वजा यात्रा का यह 15वां वर्ष है। इस यात्रा के दौरान मंडल द्वारा हर बार नए सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भिलटदेव से जुड़ सके। यात्रा के दौरान भोलेनाथ के स्वांगधारी जगदीश गुप्ता ने अपने तांडव नृत्य से सभी का मन मोह लिया। रास्ते के ग्रामीण इलाकों में उनका यह नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। नांगलवाड़ी पहुंचकर मंडल द्वारा बाबा की महा आरती का भी आयोजन किया गया। इस बार यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को बाबा की महा आरती का अवसर दिया गया। यात्रा में बाबा की आरती एवं भंडारे के साथ आयोजन का समापन किया गया। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।